हेलो दोस्तों, आपका नए यूट्यूब में बहुत स्वागत है। और कैमरा दिखाओ, थोड़ा इधर फोकस मारो। बाहर बंज में कुछ भी वायरिंग प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले इसका फ्रिज बॉक्स खोलो। ज़्यादातर बारिश के मौसम में फ्रिज बॉक्स के पीछे ही यहाँ से वायर सड़ जाता है, तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेंगे। अभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप इसका फ्यूज चेक करें, उसके बाद में फिर कपलर निकालें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक पिन होता है, इसमें जंग सा लग गया है, ज़्यादातर यहीं से डैमेज होता है इसका। और हमारे बड़े भाई जो काफ़ी दूर से हमारे पास में चल के आए हुए हैं, तो चलिए फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। और चेक करने के लिए आपके पास में सबसे पहले मल्टीमीटर या कोई टेस्टर लाइट होनी चाहिए। आप वैसा अगर कुछ वायर से चेक कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट या वैसा सही लाइट बना के, तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा भी स्पार्क हुआ तो इसमें आपके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमारे पास में ये टेस्टर लैंप है, जो इसे एकदम इजीली पता लगा सकते हैं। ये 5 वोल्ट से लेके AC DC सब में काम करता है। ये चेकने के लिए बहुत अच्छा टेस्टर लाइट है, खासकर भारत बंद सिग्ना प्राइमा ये सब के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका फ्रिज बॉक्स अंदर ये जल चुका है। मैं आपको छोटी सी एक जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला फ्यूज है, ये जल चुका है। इसमें मैं एक्स्ट्रा फ्यूज सॉकेट लगा रहा हूँ। तो इस सबकी सॉकेट लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर के कनेक्टिविटी सेट करके इसके अंदर से कनेक्टिविटी लेना है। तो जैसे मैंने कि कनेक्टिविटी ले लिया इसके अंदर से। अभी देखिए, बाहर तो दिखने में लगता है कि सिंपल ये और ये वाला होगा, बट ऐसा नहीं, इसमें यह और ये वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्यूज का जो डायग्राम है, देखिए ये ऐसे में है, ऐसे में ऊपर और नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूज ऊपर और नीचे की तरफ लगा हुआ है। बट इसके अंदर जब सॉकेट निकालेंगे तो इसके हिसाब से, ये देखिए, इसके हिसाब से इसको इधर और इधर होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसमें एक लेफ्ट एक राइट ऐसा दिया हुआ। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी पर आप सेट करके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता भी देता हूँ। मल्टीमीटर को सबसे पहले कनेक्टिविटी पे चेक करना है, ऐसा करके कनेक्टिविटी पे हो गया। और उसके बाद में फिर आपको जो आपको इसका सॉकेट कैंसिल करना है, जैसे कोई आपका अगर फिर सॉकेट जल गया, तो आपको सबसे पहले उसमें लगा के कनेक्टिविटी इसका चेक कर लेना है।
और आपको ध्यान रखना है जब भी आप सॉकेट लगाओ तो इसके वायर को एकदम प्रॉपर तरीके से टाइट करके उसके बाद में टेप मारो, नहीं तो धीरे धीरे स्पार्क कर करके फिर से वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। चलिए मेरा फ्यूज सॉकेट कंप्लीट हो गया, अब इसे अपने ये को प्रॉपर लगा देते हैं। चलिए लग चुका है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता देना चाहता हूँ, इसमें जैसा कि आप ये देख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज का जगह भी दिया हुआ है। तो आप कभी भी, बहुत से वायरमैन में क्या करते हैं एक साथ में सारे फ्यूज निकाल के और उसके बाद फ्यूज रखे करके चेक करके लाते हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ से आप फ्यूज निकालो आप वहाँ से लगा सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात देखिए, मार्क भी किया, लेकिन सब गाड़ियों में मार्क नहीं होता है, बस कोई कोई गाड़ी में मार्क करके आता है, बाकी सब गाड़ियों में वैसे रहता है। तो देखिए आप सब जो जगह है वो खाली है, दिखने में इसका पता नहीं चलता ये खाली लगा है। तो इसके लिए जब भी आप फ्यूज निकालो जहाँ से निकालो आप वहीं पे लगाओ, एक एक करके चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आप वायरिंग को एकदम प्रॉपर से जो भी है टेप वगैरह लगा के रखें, शॉर्ट सर्किट होने का चांस ना रहे और कॉन्टैक्ट ढीला ना रहे। कॉन्टैक्ट देखिए जो फ्यूज सॉकेट जला कॉन्टैक्ट ढीला होने की वजह से जला। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके रखे हैं, गाड़ी में जरा सा भी कचरा नहीं है। मेरी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। चलिए इसमें एक बार स्क्रीनर लगा के भी चेक करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरे पास ये लॉन्च का स्कैनर है, जो भी कुछ फुल कोड पता करना रहता है तो इसी से पता करते हैं। तो चलिए इसको लगा के एक बार चेक कर लेते हैं।